30 जून 2024 संडे का दिन इंडोनेशिया एशियन जूनियर चैंपियनशिप के मैचेस थे। वहां पर चाइना वर्सेस जापान चल रहा था। मैन सिंगल्स का मैच था। ओपोनेंट में मैन सिंगल्स के थे जापान के गजामा और उधर दूसरी तरफ चाइना के जैंग। फर्स्ट सेट का स्कोर लगभग बराबर चल रहा था 11-11, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। यंग चाइनीज बैडमिंटन प्लेयर चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी की मौत की खबर इस वक्त प्लेयर हैज डाइड ड्यूरिंग अ टूर्नामेंट ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट आफ्टर कोलैप्सिंग ऑन द कोर्ट। ये एक मिक्स टीम चैंपियनशिप था जिसमें सारी कैटेगरीज थी, जैसे मैन सिंगल्स, मैन डबल, वुमेन सिंगल, वुमेन डबल एंड मिक्स डबल्स। 11 ऑल तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एकदम से जैंग कोर्ट पर गिर जाते हैं। गिरने के तुरंत बाद जैंग की बॉडी शिवर करने लग जाती है। उसका ओपोनेंट बिल्कुल शॉक हो जाता है और जो जैंग का कोच था वो कोर्ट पर जल्दी से भागता हुआ जाता है, लेकिन अंपायर जैंग को टच करने से मना कर देती है। 5 मिनट के अंदर वहां मेडिकल टीम आ जाती है तुरंत। जैंग की हालत अनकॉन्शियस कंडीशन में थी तो अथॉरिटीज वहां पर तुरंत ही पास वाले हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर देती है, जहां पर वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था और जैंग हमें इस दुनिया से छोड़कर चला जाता है। डॉक्टर जैंग की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताते हैं। आसान भाषा में बताने की कोशिश करूं तो इस केस में हार्ट कम्प्लीटली काम करना बंद कर देता है। ये हार्ट अटैक से भी डेंजरस है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगला नंबर आपका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात है जो मेरे को अब तक परेशान करे वो ये है कि एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल चांसेस है उसके हार्ट अटैक आने के। इसको देखकर पूरी बैडमिंटन कम्युनिटी अब तक शॉक में है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कार्डियक अरेस्ट होता कैसे है। जब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लड सप्लाई रुक जाती है और ज्यादा प्रेशर की वजह से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो 70% ब्लड सप्लाई करती है हमारे हार्ट में वो रप्चर हो जाती है और बंदे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसके काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, जैसे अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ओवरवेट एंड ये तो बहुत ज्यादा कॉमन रीजंस हैं जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और ब्लॉकेज का कारण बनता है हार्ट में। लेकिन जैंग तो प्रॉपर डाइट ले रहा था, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा था और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहा था जिससे हमारी हार्ट हेल्थ टॉप नॉच रहती है, तो हार्ट अटैक का तो सवाल ही नहीं उठता। बट ये केस अलग है, आप भी यही सोच रहे होंगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन पास्ट में काफी ज्यादा इंसिडेंट्स देखे गए जिसमें फिटनेस आइकन और बॉडी बिल्डर स्टीरॉयड की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन जैंग के ऊपर स्टीरॉयड एंड ड्रग इनटेक के एलिगेशंस लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई इसका एविडेंस नहीं है कि हम क्लियर कट बोल सकते हैं। जैसे हम गैस कर सकते हैं पास्ट के कुछ इवेंट्स को देखते हुए, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल को देखिए जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया 23 चाइनीज स्विमर को 2 बार डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया, फिर भी उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, ना ही वो बैन हुए। आपके मन में एक सवाल होगा कि प्लेयर्स स्टीरॉयड्स लेते क्यों हैं, स्पेशली चाइनीज प्लेयर्स, क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट अपने प्लेयर्स को साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखती है ताकि वो सारे के सारे टूर्नामेंट जीते। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट अक्सर इंटरनेशनल एजेंसीज के रेडार में रहती है। तो कुछ केसेस में प्लेयर्स स्टीरॉयड ना लेके परफॉर्मेंस बूस्टर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में शॉर्ट टाइम के लिए काफी ज्यादा ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है जिससे प्लेयर में एक्स्ट्रा पावर और अनबिलीवेबल स्टेमिना आ जाता है। बट ये सारी ड्रग्स रिस्की हैं, क्योंकि जो बाहर से बंदा फिट दिख रहा है आपको, ह्यूज बाइसेप, ट्राइसेप, एब्स, लेकिन वो अंदर से फिट नहीं है, ये आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। इन सारे बैंड ड्रग्स को यूज करने से आपकी इनर बॉडी की फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है और देखते ही देखते ही सारी चीजों का इम्पैक्ट एकदम से आपकी बॉडी पे दिखता है इन द फॉर्म ऑफ साइड इफेक्ट और वर्स्ट केस में मौत भी हो सकती है। हद तो तब हो जाती है जब चाइना की गवर्नमेंट बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके अपने प्लेयर्स के जीन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम जीन एडिटिंग भी बोलते हैं। जीन एडिटिंग को हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपने टेक्निक पहली बार सुनी होगी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी 2016 में ही आ चुकी थी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट के लोग ज्यादातर टॉल हाइट, हाईली मस्कुलर और बहुत ही ज्यादा स्टेमिना उनमें जेनेटिकली पाया जाता है। तो जितने भी जीन्स इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम पहले उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसे कट करते हैं और दूसरे की बॉडी में पेस्ट करते हैं। तो अब वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उस बंदे में भी देखने को मिलेंगे जिसमें एडिटिंग हुई है। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपने मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन, उसमें पीटर पार्कर को यहाँ पे स्पाइडर काट जाती है तो उसके बाद उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जो जीन स्पाइडर में होते हैं जैसे वेब शूटिंग, हाई रिफ्लेक्सेस और हाई पावर, तो यार वो पीटर पार्कर में भी देखने को मिलती है। लेकिन अब ये सेम चीज साइंटिस्ट यूज कर पाते हैं जीनोम एडिटिंग की मदद से। ये बात आज बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सी लगती है, लेकिन ये पॉसिबल है आज। लेकिन जितना ये सुनने में आसान लगता है उतना है नहीं। जिस इंसान के ऊपर जीन एडिटिंग करी जा रही है, थोड़ी सी भी गलती उस इंसान के ऊपर भयंकर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, जो किसी भी टेस्ट और रिपोर्ट में डिटेक्ट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अक्सर लोग वे प्रोटीन और स्टेरॉइड को एक ही कॉमन पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वे प्रोटीन होता है वो दूध से बनता है, यानी ये कंप्लीटली नेचुरल है। और अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं एनाबॉलिक
स्टेरॉइड्स की, तो यार ये कम्प्लीटली सिंथेटिक होते हैं, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। यार हम सप्लीमेंट ले सकते हैं जैसे वे प्रोटीन, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। जैसे हरियाणा अपने डेयरी कल्चर के लिए फेमस है, तो यहाँ पे हाई क्वालिटी डेयरी प्रोडक्ट्स मिलना बहुत ही आसान बात है और शायद इतनी ज्यादा सप्लीमेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन मैं बात करूँ दूसरी सिटीज की, जैसे मेट्रोपोलिटन सिटीज दिल्ली, गुरुग्राम और बैंगलोर, तो इसमें जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं उनको हाई स्टैंडर्ड डेयरी प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ जेन्युइन वे प्रोटीन्स और मल्टीविटामिन के लिंक दे दिया है, वहां पे जाके इसे बेझिझक परचेज कर सकते हो। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि आप नॉर्मल घर की डाइट कराओ। अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर वे प्रोटीन ले सकते हो, क्योंकि वो सेफ टू ड्रिंक होते हैं। और अगर आपने मेरा अब तक सिंगापुर वाला टूर व्लॉग नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में।